हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो है एनपीसी डीसीएस। ये देखो, कंटेक्स्ट ये है कि अभी नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और स्ट्रोक्स हैं, इनकी एक मीटिंग है, उसका रिव्यू किया गया है। उसको लेके भी गाइडलाइंस वगैरह कुछ न्यूज़ है वो आई है। तो पहले तो ये देखते हैं कि एनपीसी डीसीएस है, ये है क्या। देखो, जो मेजर क्रोनिकल डिजीज होती हैं, जैसे कि हम बात करें कि हार्ट अटैक हुआ, डायबिटीज हुआ, कैंसर हुआ, ऐसी डिजीज हैं, इनको लेके गवर्नमेंट के द्वारा एक 2000 में, इनका बोल सकते हो कि इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 2010 में एक प्रोग्राम स्टार्ट है वो किया गया था। जैसे कि आप देख रहे हो, 2010 में गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 100 डिस्ट्रिक्ट में। उस टाइम पे 21 स्टेट थे, वहां से इसकी स्टार्टिंग है वो की गई थी 2010 में। काम क्या था कि जो मेजर जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इनसे निपटने के लिए स्टार्ट है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था। इस प्रोग्राम का फोकस ये रहा है कि भाई जो भी ये डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, जैसे कि टीबी, सॉरी, जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात करें, कैंसर, डायबिटीज या कार्डियोस्कुलर डिजीज हो गई, हार्ट अटैक रिलेटेड, इनसे निपटने के लिए इनके जो भी केसेज हैं, इनकी एक अलग से रिपोर्ट तैयार की जाए, इनके लिए जो भी प्रोग्राम चला रहे हैं उनको, उनसे रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डेवलप किया जाए और कैपेसिटी को बिल्डअप करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। तो अभी इसकी रिव्यू मीटिंग आयोजित की गई है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन सी होती हैं? देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इनको क्रोनिक डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो क्रोनिक डिजीज हैं या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो सेम ही होती हैं। एक सेकेंड, थोड़ा पेन। हाँ, अब सही रहे। हाँ, अब देखो, जैसे कि हम बात करें कि इन्वायरमेंटल कुछ इश्यूज होते हैं या फिर जो बिहेवियरल फैक्टर होते हैं, इनकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो होती हैं, और ये जल्दी से एक साथ सडनली नहीं होती हैं, इनका इफेक्ट धीरे धीरे होता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि कैंसर हुआ, ऐसा थोड़ी कि कैंसर एक साथ ही हो गया, धीरे धीरे कैंसर है वो इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं, खाने पीने, हमारे रहन सहन की आदतें हैं, इनसे धीरे धीरे इफेक्ट होते हुए कैंसर जैसी डिजीज़ हैं वो आती हैं। तो ये कहलाती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ या क्रोनिक डिजीज़ के नाम से भी इनको जाना जाता है। हार्ट अटैक हुआ, कैंसर, जैसे ये मैंने आपको बताया, ये सारी क्रोनिक डिजीज में ही आती हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है प्रोटेम स्पीकर को लेके। कंटेक्स्ट ये है कि अभी रिसेंटली वीरेंद्र कुमार, जो कि बीजेपी के एमपी हैं, कहाँ से, मध्य प्रदेश से, उनको प्रोटेम स्पीकर है वो नियुक्त किया गया है 17वीं लोकसभा के लिए। तो पहले तो हम देखते हैं प्रोटेम स्पीकर होता क्या है। प्रोटेम स्पीकर है, देखो, वो एक टेम्परेरी स्पीकर होता है जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है, कब इसको अपॉइंट किया जाता है, वो सब हम देखते हैं। देखो, अगर हम बात करें प्रोटेम स्पीकर की, तो जो लोकसभा में जो नॉर्मल स्पीकर होता है, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी 16वीं लोकसभा थी वो डिजोल्व हो चुकी थी और 17वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, तो जैसे कल ही जो आपको पता है कि पहली सीटिंग है लोकसभा की वो आयोजित हुई थी, तो उससे पहले तक 16 के जो स्पीकर थे, सुमित्रा महाजन, वो वहाँ पे स्पीकर के तौर पे काम है, अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे थे। बट नई लोकसभा गठित हो चुकी है, तो आपको पता है कि नए अध्यक्ष की जरूरत होती है, और वो अध्यक्ष का काम है वो प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। मतलब हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि नई लोकसभा जब गठित होती है और उसकी जब पहली मीटिंग होती है, उसको जो हेड करते हैं, उसके जो स्पीकर होते हैं, उनको प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, जो कि टेम्परेरी होते हैं। ये बेसिकली जो सबसे सीनियर एमपी होते हैं, सीनियर जो एमपी आप बोल सकते हो लोकसभा में, उनको अपॉइंट नॉर्मली किया जाता है। ये आपको फिर ध्यान में रखना है कि सबसे सीनियर जो एमपी होते हैं, सांसद होते हैं, उनको बेसिकली प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अपॉइंट है वो किया जाता है। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट है वो करता है। अब यूपीएससी देखो, यहाँ पे कई तरह के क्वेश्चन पूछ सकती है। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकती है कि जो स्पीकर है वो लोकसभा के डिजोल होते ही, मतलब स्पीकर को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है, स्पीकर भी पद से हट जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक नई लोकसभा गठित नहीं होती, इससे पहले स्पीकर अपना पद नहीं छोड़ता। नई लोकसभा गठित होने की जो पहली मीटिंग होती है, ध्यान से सुनना, नई लोकसभा गठित हो गई, इसके बाद उसकी पहली मीटिंग आयोजित हो रही है, उसके जस्ट पहले तक स्पीकर का पद वो कंटिन्यू रहता है। उस टाइम पे स्पीकर प्रोटेम स्पीकर को देता है कि हाँ भाई साहब, अब आप कंटिन्यू कीजिए इसको, और प्रोटेम स्पीकर है वो नई लोकसभा को एक तरीके से देखता है, चेयरपर्सन के तौर पर काम करता है। और प्रोटेम स्पीकर की अगर हम बात करें, उसका नया काम क्या होता है, उसका मेन काम ये होता है कि जो भी रिसेंटली जो कैबिनेट मंत्री वगैरह हैं, इनको मतलब शपथ वगैरह रिलेटेड जो भी कुछ काम हो गए हैं, नए मंत्री बनाने हैं, कौन से को कहाँ है, ये सारे काम प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किए जाते हैं। और जो नया स्पीकर का इलेक्शन होना है, नॉर्मल जो स्पीकर होता है उसका इलेक्शन भी प्रोटेम स्पीकर ही करवाता है। इसके बाद में जब नया स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, तो प्रोटेम स्पीकर है वो हट जाता है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर है ना, वो एक टेम्परेरी पीरियड के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। और पावर की अगर हम बात करें, तो प्रोटेम स्पीकर के पास वो सारी पावर होती हैं जो नॉर्मल स्पीकर के पास होती हैं। तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेके, FATF। पिछले साल काफ़ी सुर्खियों में भी था और इस साल भी न्यूज़ में है। क्या है पहले वो हम देख लेते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF है, ये देखो 1989 में बनाया गया था एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी के तौर पे, और यह मेनली जो G7 कंट्रीज़ हैं उनके द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ना, ये एक पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम ये है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में मेनली दो चीज़ों के लिए काम करती है, एक तो मनी लॉन्ड्रिंग और एक होती है टेरर फाइनेंसिंग, मतलब आतंकवाद को जो कंट्री फंडिंग देती है उनके लिए काम करती है, उनको रोकने के लिए। और जहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है वहाँ पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो काम करती है। तो UPSC इसके फंक्शन भी पूछ सकती है। और इसका जो सेक्रेटेरिया जो है, हेडक्वार्टर है, वो OECD का जो हेडक्वार्टर पेरिस में वहीं पे है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि FATF का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, 1989 में बनाई गई थी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। देखो FATF है, इसके द्वारा दो लिस्ट बनाई जाती हैं, एक तो होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। ब्लैक लिस्ट में और ग्रे लिस्ट में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। ग्रे लिस्ट की बात करते हैं पहले। ग्रे लिस्ट वो होती है जिसमें उन कंट्री को शामिल किया जाता है, वो कंट्री जो कि या तो कहीं ना कहीं मतलब मनी लॉन्ड्रिंग में स्लिप्ट हो या फिर टेरर फाइनेंसिंग में सपोर्ट कर रही हो। जिस तरीके से पाकिस्तान है, इसको आपको पता है कि लास्ट ईयर ग्रे लिस्ट में डाला गया था, तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं वो है ग्रे लिस्ट में। खैर रिसेंटली ग्रे लिस्ट में 7 कंट्रीज हैं, आपको सातों के सातों याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर नाम दिया गया, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, सीरिया है, यमन है, मतलब जहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग ज़्यादा होती है उन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाला गया है। और ब्लैक लिस्ट में वो कंट्रीज़ होती हैं जो कि कोई भी एक्शन नहीं ले रही हैं, मतलब वो कंट्रीज जो पहले ग्रे लिस्ट में है इसके बावजूद वो अपने आप को ढंग से सुधार नहीं रही हैं, उनको अगर हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है फिर भी वो नहीं रुक रही हैं लगाम लगाने पर भी, तो उनको फिर ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है। तो अभी ईरान और नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्ट में डाला गया है और ग्रे लिस्ट में 7 कंट्रीज़ हैं जिसमें आपको पाकिस्तान का मेनली पता होना चाहिए। तो ये थी FATF के बारे में कंप्लीट न्यूज़, तो हमने इसको कवर किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है NASAMS। क्या है ये? NASAMS सेकंड। देखो अभी रिसेंटली US है उसने NASAMS सेकंड जो कि एक एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इंडिया को सेल करने की बात है वो की है। जो NASAMS है इसका फर्स्ट वर्जन है वो USA और नॉर्वे के द्वारा मिलकर बनाया गया था, मतलब USA और नॉर्वे के द्वारा जो नॉर्वे की एरोस्पेस है एजेंसी है उन दोनों ने मिलकर NASAMS फर्स्ट को बनाया था। और NASAMS सेकंड है वो USA का एक अपग्रेडेड वर्जन है NASAMS फर्स्ट का ही, तो ये आपको फिर ध्यान में रखना है कि है किसका वही है। ये देखो मेनली हम बात करें एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब हम एयर से अगर कोई भी स्ट्राइक होती है बाई चांस इंडिया पे तो उसे निपटने के लिए डिफेंस के तौर पे NASAMS सेकंड है वो काम करने वाला है। और इसमें 3D मोबाइल सर्विलेंस, मतलब 3D मतलब तीनों डायरेक्शन की हम बात करें तो वहाँ पे सर्विलेंस की जाएगी। इसके साथ ही 12 मिसाइल लॉन्चर होंगे, एक साथ 12 अटैक हैं वो किए जा सकते हैं। तो ये इसके कुछ फीचर्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना कि इंडिया इसको कहाँ से सेल मतलब परचेज है वो कर रहा है। नेक्स्ट देखो एक आर्टिकल लिखकर क्वेश्चन है जो कि UPSC ने इसी साल पूछा था 2019 प्रीलिम्स में, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में का सोच के बताना। क्वेश्चन है वो है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में यानी कि PVTGs के बारे में। देखो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है यहाँ पे, पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया में जो PVTGs हैं वो 18 स्टेट और एक यूनियन टेरेटरी में रह रही हैं नॉर्मली। सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो इनकी PVTGs हैं इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और वो एक मेजर क्राइटेरिया है कि भाई उन ट्राइब्स की पॉपुलेशन डिक्रीज है उनको PVTGs का स्टेटस दिया जाए। थर्ड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 95 ऐसी मतलब ट्राइब्स हैं जिनको PVTGs का ऑफिशियल दर्जा है वो स्टेटस दिया गया है। और फोर्थ स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इरुलर और जो कोंडा रेडी ट्राइब्स हैं इनको PVTGs में रिसेंटली शामिल किया गया है। तो देखो बेसिकली है न्यूज़ में लास्ट ईयर इसी फोर्थ स्टेटमेंट के लिए था कि इन ट्राइब्स को PVTGs में शामिल किया गया था। और वैसे भी आपको पता है कि अंडमान निकोबार में वीडियोज का कुछ इश्यूज भी चल रहा था। अब देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना इसमें आपको एक स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा गलत है। आप अगर बात करोगे तो एक बार तीसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि 95 PVTGs ट्राइब्स हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, टोटल 75 ही ट्राइब्स हैं PVTGs में। इसका मतलब तीसरा स्टेटमेंट साफ गलत है। अगर आप तीसरे को यहाँ देखोगे तो पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा, तो आंसर आपके पास बचा सी। इस तरीके से हमें स्मार्ट वर्क करते हुए UPSC के जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना होता है। नेक्स्ट खैर जो हमारा छोटा सा आर्टिकल लास्ट वो है डिफेंस रिसर्च स्पेस एजेंसी के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने अभी अप्रूवल दिया है कि भाई नई एजेंसी सेटअप की जाएगी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी के तौर पे, यानी कि DSRS है वो एक नई स्पेस एजेंसी है, नहीं सॉरी डिफेंस स्पेस रिसर्च एजेंसी को डेवलप किया जाएगा।
काम क्या होगा इसका, स्पेस में कोई भी वारफेयर वगैरह हो उसके लिए मतलब डेवलप टेक्नोलॉजी उनको डेवलप करना, नए सिस्टम डेवलप करना। इसके साथ ही ट्राई सर्विस, नेवी हुई, एयरफोर्स हुई आपको पता है, आर्मी हुई, इन तीनों की जो डिफेंस स्टाफ ऑफिसर्स हैं उनको इंटीग्रेट करते हुए, शामिल करते हुए ये स्पेस एजेंसी है वो बनाई जाएगी। काम क्या होगा इसका, प्रोवाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसको, डिफेंस स्पेस एजेंसी जो कि बेंगलुरु में स्थित है। तो आपको ध्यान रखना है कि डिफेंस स्पेस एजेंसी कहाँ पे है, बेंगलुरु में, उसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा, और इन केस ऑफ फ्यूचर अगर मतलब स्पेस में कोई भी वारफेयर होता है तो उससे निपटने के लिए टेक्नोलॉजी से उनको यहाँ पे ईजाद किया जाएगा। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन, तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।